जो हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैथ के 2021 के पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे, उस पर जो सेकंड सेट था उसका थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत आ रही थी। उसमें क्वेश्चन ये था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% ज़्यादा अंकित करता है, उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। हमने मान लिया कि उसका प्रोडक्ट था जो कि 100 रुपये में बना था, मतलब उसकी कास्ट प्राइस थी 100 रुपये। उसने क्या किया, 23% ज़्यादा अंकित किया, मतलब अपने प्रोडक्ट पर 123 रुपये मार्क करवा के रखा, मतलब अंकित करवाया। उसने क्या किया कि 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा। हमने मान लिया कि टोटल वस्तु हमारे पास 3 थी, अगर 3 वस्तुएं थी तो 2/3, मतलब 3 का 2/3 कितना होगा, 2 ही आएगा। तो मतलब इसने 2 वस्तुओं को क्या किया, अंकित मूल्य पर ही बेचा। अगर इसने 2 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा तो 123 × 2 कितने की बेच दी इसने, 246 रुपये की। अब यहाँ पर बची एक वस्तु, बची इसने कहा है कि शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचते हैं, तो बची कितनी वस्तु, एक वस्तु, अंकित मूल्य कितना है 130। इसने क्या किया, 25% की छूट देकर बेचा है, मतलब इसको 75% पर बेच दिया, तो 75/100 यहाँ कर देंगे, 25 × 75 = 25, 100 कितना होगा, 100। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 123 में करवाएंगे कितना होगा, 3 × 6 = 9 = 369, और यहाँ पर 4 से भाग दे दो कितना आएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8, 4×5 = 20 कितना आएगा, 92.25। तो मतलब थर्ड वस्तु को ये कितने में बेचेगा, 92.25 वस्तु की, मतलब 92.25 रुपये की। एक वस्तु की हमने कीमत कितनी मानी थी, 100 रुपये, तो 3 वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 300 रुपये। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि 2 वस्तु 246 में बिकी है, लास्ट वाली 92.25 में बिकी है, ठीक है, इसको ऐड कर लो कितना है, कितना होगा, 25.62894132131, मतलब 338.25 रुपये में बिकी है और 300 रुपये में सामान, मतलब इसका कास्ट प्राइस था। तो इसको फ़ायदा कितने रुपए का हो रहा है, 38.25 रुपये का हो रहा है। किस में से हो रहा है सर, 3 में से हो रहा है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम कितना लगा देंगे, 100, 300 में से हो रहा है ना, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो फिर 2 जीरो कट जाएंगे, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 × 2 = 6, कितना होता है, 2 = 22, 3 × 7 = 21, 1 = 15, 3 × 5 = 15, तो 12.75% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो फिर ठीक है, लाइक कर देना, इसे लाइक का मतलब बता देना कि सर हाँ समझ में आ गया है, ठीक है ना, ठीक है।